जो आई है तेरी पलके चूम के हवा के साथ झूम के हाँ गोल गोल घूम अस्सलामुअलैकुम गुड मॉर्निंग। आप भी तो करो सलाम। अस्सलामुअलैकुम गुड मॉर्निंग। आराम से, आपने कहा था कि आप हाइपर नहीं हो गए, आ जाएं। मैं बहुत इससे ब्रेन वॉश करके रटवा के लाई हूँ। हैप्पी बर्थडे बलाज। थैंक यू कौन करेगा? थैंक यू। अच्छा तो आप जानते हो कि ये हम किधर हैं? हम किधर आपकी आज बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं आपको? ऑन द आइलैंड ऑफ सोडोर। ये नहीं, इस जगह का नाम क्या है? सही से बताओ, मस्ती नहीं हो रही अभी। सही सही जानते हो अब मैं किधर जॉब करती हूँ? ये किधर है, कौन सी जगह है? गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और ये कौन सा चैनल है? सोचो सोचो सोचो। ARY। हाँ अच्छा, आपकी कौन सी बर्थडे है बलाज? कितने साल के हो गए आप? हाँ बताओ तो सही। ये क्या, 5 6? मुंह से बोलो। 7। अच्छा क्या अभी क्या प्लान है आपका इस 7th साल में? बेटा कैमरा उधर है, आप उधर उधर मुड़ रहे हो, बाद में देखना ना। अच्छा मुझे बताओ 7th ईयर में आप ये क्या सोचो कि मैं बड़े होके क्या बनने वाला हूँ? इंजीनियर बनना है आपने? ये आपका ड्राइव ट्रेन। अच्छा ओके, ट्रेन चलाओगे आप, ट्रेन के इंजीनियर बनने हैं। अच्छा तो आज हम वेलकम करें आप सबको। भलाज की बर्थडे जो है ना, वो बेचारी की पिछले साल से ऐसे सेलिब्रेट हो रही है, या शो पे हो जाती है, घर पे हम 4-5 फैमिली मेंबर्स मिलकर कर लेते हैं। इसकी वो वाली बर्थडे जो ग्रैंड बर्थडेज होती है बच्चों की, हमने जब ये पैदा हुआ था तब भी हमने कोई ग्रैंड बर्थडे इसलिए नहीं की कि मुझे अकल आ गई थी कि जब बच्चे छोटे होते 1 साल के, वो अपनी बर्थडे पे सिर्फ रोते हैं, इंजॉय नहीं करते। तो जो 2 बड़े बच्चे थे उनके एक्सपीरियंस से मैंने बेचारी की शुरू की बर्थडेज भी नहीं सेलिब्रेट की, ऐसे घर घर में करती रही। और अब जब मौका आया, कहाँ देख रहे हो, इधर आओ भाई, टीवी पे नहीं देखो। अब जब मौका आया तो इनका नसीब ऐसा कि इनकी बर्थडे हो ही नहीं सकती सेलिब्रेट, तो मैंने कहा चलो आज सबको बुलाते हैं, जो हमें व्यूअर्स देख रहे हैं उन सबको बुलाते हैं और बलाज की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। सही है बलाज? अब आप स्क्रीन पे देखते रहोगे अपने आप को, तो वहां कैमरे में भाई मॉनिटर बंद कर दो, वरना बलाज तो उधर ही देखता रहेगा। इधर देखो बलाज, आपने अपने पुराने आपको पैकेजेस याद हैं जब आप मेरे शो पे पहले आए थे, आपको याद है? कितनी दफा आयो आप शो पे और कितनी मस्तियां करते थे। जब बलाज तो मैं लाती ही नहीं थी जब बच्चों के शोज करती थी। बलाज आपको पता है आप पहले क्या करते थे? आप जमीन पे लेट जाते थे, आपको लगता था मेरी अम्मा का ऑफिस है तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, बिल्कुल घर समझ के जमीन पे लेटा हुआ। अब मैं जो शो ही नहीं कर पाऊँ, कंडक्ट ही नहीं कर पाऊँ, सारे जितने भी मेरे दोस्त थे अपने बच्चों के साथ आती थी, बलाज को क्यों नहीं लाती, बलाज को क्यों नहीं लाती? मैंने कहा भाई वो तो मुझसे संभलेगा ही नहीं यहाँ पे। लेकिन अब आज मुझसे बलाज प्रॉमिस करके आया है। बलाज क्या प्रॉमिस किए हैं? That I will be in my best behavior. हाँ अच्छा, क्या बैक करोगे कैमरे को? फ्रंट पे बोलो ना, उधर नहीं देखो, इधर ये कैमराज हैं, 1 2 3 4 5, पीछे कोई कैमरा नहीं। ठीक है। हाँ ठीक है? आज आपने मुझसे क्या वादा किया था कि मैं क्या कैसे मैंने वादा किया जो मैं आज अच्छा बच्चा बनूंगा। अच्छे बच्चे आप हो नहीं? आपको क्या लगता है कि आपकी बेस्ट बेस्ट बात क्या है, आपके अंदर क्या अच्छा है? ये जो मम्मा आपको प्यार करती हैं, डैडी आपको प्यार करते हैं, सब प्यार करते हैं, क्या आपकी बेस्ट बात क्या है इस 7? दैट मम्मा हग्स मी। नहीं नहीं, ये तो मेरी बेस्ट बात है ना कि मैं आपको हग करती हूं। दैट आई हग मम्मा। नहीं, आपकी बेस्ट बात क्या है, आपकी अच्छी बात क्या है? दैट आई वेयर क्लोथ्स। बलाज आपकी बेस्ट बात मैं बताऊं? बलाज की बेस्ट बात ये है कि बाकी जो दूसरे बच्चे हैं ना, वो जब बड़े हो जाते तो वो लिफ्ट नहीं कराते, तो बलाज हमें सबसे ज्यादा लिफ्ट कराता है। बलाज डैडी को भी आके बहुत हग करता है, एक्सप्रेसिव है, प्यार करता है, और मम्मा को भी बहुत हग करता है। और एक और बात बलाज करते थे, बैठ जाते ना तरह, बलाज एक्सप्रेसिव है बहुत। जब भी मैं तैयार होती हूँ या मैं इधर आओ करीब, जब भी मैं तैयार होती हूँ तो कोई मेरे घर में तारीफ नहीं करता, लेकिन बलाज करता है ना, और अप्रिशिएट भी करता है। अच्छा बलाज सिर्फ मैं नहीं बोलने वाली, आज तो आपने भी बोलना है।
अच्छा आपको क्या लगता है आपकी बेस्ट बात तो ये है कि आप बहुत एक्सप्रेसिव हो, आपकी बुरी बात क्या है, किस पे आप? दादा ईट स्लो। ओहो, कितने देर में खाते हो भला, कितना टाइम लगा? 45 hours. नो 45 hours नहीं, डेढ़ घंटा। 2 hours? 2 hours से थोड़ा सा कम। आपको पता है ये आपकी बेस्ट बात, ये आपकी सबसे बुरी बात है कि बहुत स्लो खाते हो, है ना? जैसे वो खाते हैं जो हमारे एजेड लोग होते हैं, उनके दांत नहीं होते हैं ना, तो वो स्लो स्लो खाते हैं। बला जी आपके दांत नहीं है, है? I have one missing tooth. ओहो, एक दांत टूट गया। अच्छा आप स्कूल याद करते हो, आपको कैसा लगता है जो ये लॉकडाउन हुआ है सारा और स्कूल जो है वो बंद है, आपको कैसा फील हो रहा है तब से? नहीं अच्छा फील हो रहा? सैड। सैड फील हो रहा है? स्कूल जाने का शौक है? yes. वाह, कौन सा बच्चा है जो स्कूल जाने का शौक है। अच्छा अब क्या करें आज आपकी? I'm meeting all my friends. And I hope one will come soon. इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। आपको कोरोना से डर लगता है? yes. है ना, कोरोना से सबको डरना चाहिए। But not so much, just little. लेकिन आप मुझे बताओ हमें कोरोना से कैसे बच सकते हैं, क्या ऐसा करेंगे कोरोना से बच जाए, क्या करना चाहिए? Escape on a train. वाह, अब बस मस्ती शुरू। मास्क, सैनिटाइज, हैंड वॉश, वो किधर गई? In our brains. अच्छा पैकेजेस दिखाए आपके पुराने बर्थडे के? आई मॉनिटर बंद कर दिया। हाँ मॉनिटर खोल दो। चलो जी हम आपसे शेयर करते हैं बलाज की पुरानी पैकेजेस, बर्थडे पैकेजेस जो सारे मेरी टीम ने बनाए हैं आपके लिए, देखना चाहोगे? चलो देखते हैं। और आज हम बहुत सारी गेम्स करेंगे, बहुत सारी मस्ती करेंगे। Stop and go game. और बलाज के जो एक बेस्ट फ्रेंड हमारे साथ होगा और बाकी मेरे फ्रेंड्स के बच्चे हमारे साथ होंगे। बलाज की बर्थडे हम वैसे नहीं कर सकते जैसे आमतौर पर बर्थडे मनाई जाती है, तो हमने सोचा आए मैं कहाँ कट गई, आ रही हूँ। अच्छा मैंने कहा मॉनिटर पे नहीं आ रही थी। तो हमने सोचा कि आज जितनी भी खालाएं और फुपिया, याद है आपको क्या बोला था आपने? मेरी खालाओं, मेरी फुपियों, याद है? I said something with carrot in it. आपको याद है, अभी सब दिखाते। तो हमने सोचा कि आप सबको एज फैमिली मेंबर इनवाइट करें बलाज की बर्थडे में। और बलाज को बहुत पसंद है ट्रेन, उसका बस नहीं चले, हर वक्त मुझे पीछे पड़ा रहता है कि मुझे ट्रेन में बिठाओ, ट्रेन में बिठाओ। तो इसीलिए हमने इसकी पसंदीदा थीम रखी है थॉमस, और हम बहुत सारी गेम्स खेलेंगे, मस्तियां करेंगे। And he's just jumping on the tracks over there. और आज क्यूटनेस ओवरलोडेड होगी, बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे भी आएंगे बलाज की बर्थडे में और बच्चों के साथ उनकी अम्माएं भी। तो आइए दिखाते हैं आपको बलाज की शुरू के फर्स्ट एंड सेकेंड बर्थडे के पैकेजेस। तो भाई हम ब्रेक पे जा रहे हैं अभी, क्या हमारे पास टाइम है? फिफ्थ बर्थडे। हाँ चलो बलाज इनवाइट करें आप सबको, जो जितने भी गेस्ट आए हुए हैं। सबसे पहले तो जाहिर है बलाज का बेस्ट फ्रेंड है जो बलाज के स्कूल में है, और ये जो सारा लॉकडाउन है आमद और बलाज का एक साथ गुजरा है, क्योंकि उसके भी बड़ा भाई है और बलाज के भी बड़े बहन भाई। आ गया आमद, अस्सलाम वालेकुम। आमद आपके पास तो माइक नहीं है तो मैं आपको माइक ऐसे दे देती हूँ, ठीक है? और ये जो दोनों है ना, ये लॉकडाउन के साथी हैं, ये इस कोरोना में हम लोग करीब करीब रहते हैं। तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है रोजीना मुनीब, जिनके मैं बहुत कपड़े भी पहनती हूँ। आमद उनके बेटे हैं, और या तो बालाज इनके घर पे होते हैं या आमद हमारे घर पे होते हैं, ऐसे ही इनका कोरोना का टाइम गुजर रहा है ना आमद? अच्छा अब आमद आप बताओ बलाज की एक अच्छी बात क्या है, बलाज के अंदर जो आपका वो बहुत अच्छा दोस्त है, क्या वजह है? बलाज बहुत अच्छा है। क्या क्या अच्छा है बलाज के अंदर?
कोई तो अच्छाई होगी ना जिसकी वजह से आपने इसको दोस्त बनाया है। I'm fun. हाँ, fun है, funny है। और बलाज की एक बहुत बुरी बात बताओ, क्या करता है ये बहुत बुरी बात? खाना स्लो खाता है। खाना स्लो खाता है। खुद ही बता रहे अपने पर। खाना स्लो खाने से तुम्हारा अहमद का क्या नुकसान है? अच्छा भाई, ये तो अहमद बलाज के बेस्ट फ्रेंड बात सुने, हम घर में नहीं है, भूल जाते हैं आप बेचारे, बच्चा घर में रह रहे के मैनर्स ही भूल चुका है कि बाहर जाके बैठना कैसे। ये है कोरोना का दौर, क्या करें। जो नेक्स्ट गेस्ट हम बुला रहे हैं जी, वो मेरी दोस्तें हैं और उनके बच्चे, इत्तेफाक कैसा है वो आपने एक प्रोग्राम देखा होगा, हम सब उम्मीद से हैं। जी जनाब, ऐसा ही हुआ है, हम सब एक साथ जो है इन फैमिली वे थे और बहुत सारे प्रोग्राम्स भी हमने किए इकट्ठे। हमारे बच्चे जब हुए, पहली ईद हमने इकट्ठे मनाई, तो बड़ी यादें हमारी इकट्ठे साथ है। आइए, हमारे पास जो गेस्ट है आज गेस्ट लिस्ट में, नादिया हुसैन अपने बेटी और बेटे के साथ, साशा एंड शेरदिल शादिल शेरदाद। क्या हाल है? ये देखो बलाज, इधर आओ। हाँ बलाज, ये देखो, ये साथ साथ पैदा हुए थे ना, शेरदाद। हाँ शेरदाद, अभी इसकी बर्थडे होगी नवंबर में। तो पहले मेरे बलाज पैदा हुआ था, फिर तुम्हारा नवंबर में शेरदाद पैदा हुआ। आपको पता है, आप लोग, ये पहली ईद है, वो भी आपने इकट्ठी मनाई थी, इधर आओ। याद है आपको? हाँ, अच्छा, यू रिमेम्बर, इसको याद है। पहली ईद याद है। छोटे छोटे थे, शेरदाद तंग पजामा पहन के आया था। हाँ तंग पजामा, या रिमेम्बर? तो अब इसकी नवंबर में होगी बर्थडे, नवंबर, यस, 5th नवंबर। तो आजकल तो कहीं बर्थडे पार्टीज में तो कम जाना हो रहा है, कहीं भी नहीं, ना बर्थडे ना कुछ। और अब मैं, तुम तो तमीज की बात कर रही हो बैठने की, मैं तो कह रही हूँ कि उन लोगों को कपड़े ढंग के पहनाना मुश्किल है ना, पूरा दिन घर में नाइट सूट में, शॉर्ट्स में, ऐसे कपड़े रहते हैं। कि यहाँ आके जो है वो, यहाँ आने के लिए इतना मसला हुआ हुआ था कि कौन से कपड़े पहने, क्या पहने, और बस आई डोंट वांट टू वेयर दिस, मुझे ये नहीं पसंद, मुझे वो नहीं। वही ना, बच्चे घर में रह रहे कि वो बलाज है ना, बिल्कुल घर सोफे की तरह बैठ रहा है। मैंने कहा बलाज हम बाहर आए हैं, भूलो नहीं, थोड़ा सा बलाज इधर बैठो, फ्रेम से आउट नहीं हो। हाँ देख लिया, बहुत जबरदस्त है वो बलाज, तो एक्साइटेड हुए हैं फुल। तो आपने भाई शेरदाद, क्या सोचा है कि आपने अपनी बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करनी है, क्या थीम रखना है? माइक दे अहमद, शेरदाद को माइक दे। आपने अपनी बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करनी है, सोचा हुआ है आपने? जैसे अभी बलाज ने थॉमस थीम रखा हुआ है, आपको पसंद है थॉमस? नहीं, तो आपको क्या पसंद है, कौन सा कार्टून कैरेक्टर पसंद है? बस एवेंजर्स। एवेंजर्स? नो, देन अभी लेटेस्ट कुछ और चॉइस हुई होगी, फोर्टनाइट। फोर्टनाइट। और साशा, आपकी बर्थडे कब होती है? माइक है साशा के पास, 14th मई को। और साशा, तुमने क्या सोचा हुआ है कि मैंने क्या थीम रखना है बर्थडे में? व्हाट डू यू वांट फॉर योर बर्थडे? आई डोंट नो, बार्बी? नो, नॉट बार्बी। फिर पहले तो अमेरिकन डॉल बहुत पसंद थी, बार्बी वैसे कभी पसंद नहीं थी इसको, अमेरिकन डॉल पसंद थी, वो एक डॉल का नाम है, यू नो, वो ब्रांड का नाम है। और क्या बर्थडे में सबसे अच्छी चीज क्या लगती है बच्चों? इन लोगों को जो है ना, सिर्फ कोई थीम से आई थिंक मतलब नहीं है, इन लोगों को सिर्फ मतलब बलाज मतलब इस चीज से है कि जो दोस्त कौन से आ रहे हैं और हम एक्टिविटीज क्या कर रहे हैं। तो बस हम आज यही करने वाले हैं, हम बड़ी मस्ती वाली एक्टिविटीज करने वाले। इस वक्त जो आप पूरा सेट देख रहे हैं ना, सजावा, जिसको देख के बच्चे खुश हो रहे हैं जी, ये जो इवेंट प्लानर है, ये है मोमेंट एंड मेमोरीज बाय आनंद तारिक, एंड डिजर्ट कर्टसी जो है वो लुक एंड कुक बाय फरजाना वामिक। मुझे लगता है वो नहीं होती खानदानी डॉक्टर, ये हमारी खानदानी केक वाली है। सिला की बर्थडे हो, किसी की भी हो घर में ना, तो फरजाना वामिक को हम चूज करते हैं। अच्छा। केक के लिए, क्योंकि इनके टेस्ट भी अच्छा होता है और बनावा भी बहुत नीट होता है केक।
तो थैंक यू आप लोगों का, कितने अच्छे आप लोगों ने डेकोर किया है. और बच्चों की जो बर्थडे इस कोरोना के दौर में बड़ी एक लिमिटेड सी हो गई है. बच्चों को तो मजा आता है, मगर वो अगर ये सारा सेटअप हम घर पे भी करा लें, जैसे कि मैंने घर पे ही कराया है, तो इमीडिएट फैमिली भी होती ना, तो एक बर्थडे की पिक्चर्स अच्छी आ जाती हैं. तो मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा अगर आप छोटा सेटअप घर पे करा लें और अपनी इमीडिएट फैमिली को ही बुला लें, तो भी बच्चे खुश हो जाते हैं. हाँ जी, नेक्स्ट गेस्ट को बुलाएं. बलाज, आपको आपका दिल चाह रहा है गेम्स खेलने का? ओहो भाई, एक्साइटेड आज ये लोग हैं, रात को भी जल्दी सो गए. अच्छा, जो मैं नेक्स्ट गेस्ट बुला रही हूँ, सब अपने बच्चों के साथ है. और सब जो है वो अपने बच्चों के साथ है. आज मस्तियाँ करेंगे हम. मैं बुलाती हूँ समरा अरसलान अपनी बेटी बहुत ही क्यूट सी परीशे के साथ, और बेटा शामीर. फिर मैं बुलाऊंगी किरण नाज को अपनी आयशा के साथ, मारिया को अपने बेटे मिकाल के साथ. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बलाज बर्थडे पार्टी. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. इनको सबसे ज्यादा आज क्रेज हो रहा था निदा खाला के शो में जाना है. ओ जबरदस्त. कैसे भाई, माइक किधर है? जरा मैं बच्चों से भी बात करूं सबसे. अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी बर्थडे बलाज. बलाज देयर इज बलाज, हैप्पी बर्थडे. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. आई है, आई है बलाज. देखो भाई, वो तो ग्रीन थीम में आए हैं. ये एल्बो ले लें भाई. इट्स अ ब्लू थीम बट एवरीवन्स वेयरिंग ग्रीन एक्सेप्ट थॉमस. वो तो थॉमस क्योंकि पार्टी बढ़ गई है तो हम यहां खड़े हो जाएं. इधर आ जाओ, किरण इधर आ जाओ. मम्मा पर्सी इज ग्रीन. हां, इधर आ जाओ किरण. एंड आल्सो ओलिवर. अच्छा बलाज, मैं आपको सबसे मिलवाती हूँ. इन दोनों से तो आप मिल लिए, ठीक है. चलो भाई, अब अपना इंट्रोडक्शन तो कराओ बलाज से. तुम्हारी अम्मी तो मेरी दोस्त है, तुम भी मेरे दोस्त हो, पर बलाज को तो बताओ ना अपना नाम. नाम मिकाइल. वो नहीं, मिकाइल बोलो तो सही. अब तो तुम दोस्त हैं. मिकाइल है बलाज, इधर. हेलो मिकाइल. अच्छा चलो भाई, अब ये जो है ना बलाज, इनका नाम क्या है ये आपको खुद बताएंगे. चलो भाई आयशा, आपके पास है ना माइक आपका? हाँ. हेलो बलाज, हैप्पी बर्थडे आयशा. आयशा नाम है. आयशा जो है ना बहुत चट्टू पट्टू, इतनी बजे बजे की बातें करती है, पता है बलाज? वो अभी इनको पता चल जाएगा. आयशा बलाज वाला एक किस्सा तो सुना दे जो निदा खाला आपको सुनाती है हमेशा. कौन सा किस्सा आयशा? हम मामा बोरिंग. वो कौन सा किस्सा है बलाज का? आयशा को नाम भी याद था, बलाज की बर्थडे है मामा. ओहो, रेडी हो रही हूँ जो मैंने अचानक याद किया. जब भी आयशा आती है ना शो पे, तो जब भी आयशा आती है शो पे और वो हमेशा यही पूछती है बलाज के बारे में. बलाज के बारे में कोई बलाज की बात करती हो तो याद रखो. बच्चे हमेशा उनके सब कॉन्शियस में कुछ ना कुछ रह जाते हैं जब आप जिक्र कर रहे हो. चलो भाई, ये आयशा है. आगे बढ़िए, तो हम पास करते हैं. आप अपना नाम बताए. शामीर. जोर से बताओ. हेलो शामीर. एंड हैप्पी बर्थडे शामीर. शामीर. हेलो शामीर. शामीर कितने साल के हो गए? हैप्पी बर्थडे. आई एम अ फ्रेंड इन द पार्क, आई गो टू नेम शामीर. अच्छा, वो आपको हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं. आप गा के सुना दें. थैंक यू. सी जाएं, शेक हैंड कर लें. सी उस वाले हैंड से. लेफ्टी नहीं कह. अच्छा, और आप भाई अपने बारे में भी बताओ. बलाज अभी बैठ जाओ ना, फ्रेम में आ रहे हो ऐसे. आप बताएं, आपका नाम बताएं भाई. परीशे. परीशे है. बर्थडे बलाज को. थैंक यू. थैंक यू. अच्छा बताओ, हम सबसे पहले क्या गेम खेले? म्यूजिकल चेयर्स. म्यूजिकल चेयर्स खेल. स्टॉप द इंजन. स्टॉप द इंजन. नहीं, उसके लिए तो हमें चेयर्स रखनी पड़ेंगी ना कोई. स्टॉप द इंजन. हाँ, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, फिर हम जरा फन पैक. स्टॉप द इंजन. चलो भाई, ब्रेक के बाद अब आपको सब बेयर करना पड़ेगा भाई, खाला पुप्पी होने का. ये तो आज जो है ना वो वसूली चाहिए मुझे, क्योंकि ये खेलेंगे भी, मस्ती भी करेंगे, बातें भी करेंगे. और बलाज हाइपर हुआ है, वो भी आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, हैप्पी बर्थडे बलाज. सही से रहो, मुझसे वादा करके आए हो. वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. आज है बलाज की 7th बर्थडे और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मेरी दोस्तों के साथ और उनके बच्चों के साथ, क्योंकि उनके बच्चे भी मेरे दोस्त बन चुके हैं. बलाज का सिर्फ एक दोस्त है अहमद. अहमद बलाज का यहाँ दोस्त है और अभी बहुत सारे और दोस्त बनने वाले हैं बलाज के. क्या कर रहे हो? I'm friends with him also. अच्छा, अब शेरदाद के भी दोस्त बन गए. शेरदाद है उसका नाम. अच्छा, हम अब गेम शुरू कर रहे हैं, ठीक है? सबसे मजेदार, सबसे मजेदार. अच्छा, म्यूजिक नहीं, फोर्टनाइट गेम. नहीं, फोर्टनाइट गेम नहीं होगा, सॉरी, कोई ऐसा गेम नहीं होगा. हम जो गेम शुरू कर रहे हैं ना,
वो अभी बैठे बैठे ही अभी बात करने वाला गेम होगा. ओके ठीक है. चाइनीज विस्पर नहीं, चाइनीज विस्पर नहीं, थोड़ा सा वार्म अप करने के लिए बच्चों को. क्योंकि अगर म्यूजिकल चेयर्स मैंने सोचा अभी शुरू करा दिए तो सब हाइपर हो जाएंगे. तो शुरू हो जाएंगे, इधर भाग रहे हो उधर भाग रहे. अच्छा जी, पहला गेम क्या है हमारा? ठीक है, अब कुछ हमारे घर में ऐसी चीजें होती हैं, कभी बच्चों को बताता है उसके बारे में कि ये क्या है, और कभी नहीं पता होता. हाँ. घर से बाहर, घर के अंदर. अब ट्रेन. नहीं नहीं, ट्रेन की बात नहीं. चलो बलाज, हम ऐसा करते हैं, हम कहीं ऐसी ऐसे खड़े होते हैं जो हम मॉनिटर देख सके. किधर जाए भाई, बताओ हमें. डायरेक्टर साहब किधर? इधर. अच्छा बलाज, आपको कंट्रोल में रहना, आप इधर आ जाओ. अच्छा के पास. सही है, इधर खड़ा हो सकते हैं बलाज. ओके चलो, मैं इधर खड़ी हो गई. अच्छा जी, अब मॉनिटर पे ना, जिसके पास माइक नहीं है फिर माइक तुम लोग हेल्प करना जरा. इधर माइक है सबको. मॉनिटर पे दिखाएं भाई पहली चीज क्या आ रही है. आप लोगों को जो पहली चीज आ जाएगी आप लोगों ने बताना है. आप लोगों ने बताना है कि क्या चीज है. भला आप सीधे खड़े हो तो ये तो सब इकट्ठे शुरू हो जाएंगे. नहीं नहीं, मैं बारी बारी पूछूंगी सबसे. ठीक है, जिसका नाम लेंगे फिर आपने उनका. ठीक है, अभी देखो मॉनिटर पे सबसे पहली चीज क्या है. अच्छा, ये किसको पता है कि क्या है? हाथ उठा के मुझे बताए ये क्या चीज है. क्या है भला जी? क्या ग्रीन बीन? नहीं, ये बड़ी चीज है. ग्रीन बीन नहीं है. किसी और को पता है कि ये क्या चीज है? पता है आपको? नहीं, क्यूकम्बर भी नहीं है. आई न्यू इट. व्हाट? सो व्हाट इज दैट? वाज अ ग्रेट आंसर. क्या है? पिकल. नहीं, पिकल. अब आपको लगा है क्या है? हाँ, किसी और को पता है क्या है? कैबेज. क्या? एक मिनट, माइक. तुम्हें माइक लगा? आई सेड माइक लगा हुआ है. आई सेड क्या? एक पॉइंट. नहीं, इसके पीछे एक हिस्ट्री थी. इसने ये बोला कि आपके पापा को क्या बनाते हैं. आपके पापा को क्या बनाते हैं? ये पापा को नहीं, डैडा को. जो रदा की शादी हुई है ना, क्योंकि बचपन से ही वो बच्चा हमारे सामने बड़ा हुआ है. इतनी छोटी थी रदा और उसका हस्बैंड, वो बचपन से एक दूसरे को करेला करेली कहते हैं. अच्छा भाई, एक पॉइंट गया आयशा के पास, चाहे उसको कैसे भी बताए. ओके जी, सेकंड स्लाइड. हाथ उठा रहे बच्चे को बताना नहीं है. ये क्या है? अच्छा ओके, किसको पता है? रोलिंग पिन. कौन सा? रोलिंग पिन. रोलिंग पिन, वेरी गुड. अच्छा, और अब और बताओ उर्दू में क्या कहते हैं? आइए इनको पता है भाई. आयशा, बेलन. बेटा, इससे किसी की पिटाई होती है क्या? आपको कैसे पता चला? नहीं, ये बताएंगे ना आपको बेलन कैसे पता है. बेलन से क्या करते हैं? क्या था ये? रोटी बनाते हैं. रोटी बनाते हैं. इसने भी सही बताया ना. तो इसलिए दो पॉइंट्स हम देंगे. एक ये माइक कुछ गिर गया. एक पॉइंट हुआ परीशे का और एक शेरदाद का. सही है. अहमद, आपको भी देख के बताना है. अच्छा ओके जी, नेक्स्ट पिक्चर. चलें जी, ये क्या है? किसको पता है ये क्या है? किसी की मम्मा ने बताया. हाँ, माइक माइक क्या है? चिमटा. चिमटे से क्या होता है? इससे किसकी जबान पकड़ता है कोई? सारी पता है वैसे. हाँ, इससे क्या है? कौन डराता है इससे? आप इससे कौन डराता है? नन्ना. कोई बैड वर्ड्स अगर बोले जाए तो नन्ना इसे डराती है कि ये जबान पे लगता है, इसे जबान जला दी जाती है. बैड वर्ड्स बात नहीं करते बच्चों पे इतना जुल्म. नहीं नहीं, बताया जाता है कि ये इससे ना जबान पकड़ ली जाती है. अल्लाह ताला पनिश करते हैं. अच्छा, तो अब जो है दो पॉइंट्स हो गए आयशा के, एक पॉइंट परीशे और एक पॉइंट शेरदा. ओके, नेक्स्ट पिक्चर प्लीज. ये आपको भी पता है. चार पॉइंट. सही है, आप चारों के एक एक पॉइंट. आपके दो हो गए शेरदाद. ठीक है, आईफिल टावर. ओके, नेक्स्ट पिक्चर प्लीज. ये क्या है? ये क्या है? बताओ बताओ क्या है? अमर क्या है? झटकी. ये तो हमें भी नहीं पता. बिल्कुल सही, इसको झटकी ही कहते हैं. क्या होता है अमर? उर्दू में कहते हैं झटकी. झटकी भी कहते हैं, झाड़न भी कहते हैं. टिपिकल मासी जो बोलती है झटकी चाहिए बाजी. टू पॉइंट्स हो गए अहमद के. झटकी सही. ओके भी आपको. नेक्स्ट पिक्चर ये बताइए. क्या है ये? प्लास्टर. प्लास्टर. वो मदर ने गलत हेल्प कर दिया. हेल्प हेल्प छोटी सी करनी चाहिए, आगे के वर्ड खुद इंक्लूड हो गए.
फ्लायर्स क्या है? फ्लायर्स ओहो और किसी को पता है? पता है सीधे नहीं हमारा ताल्लुक नहीं पड़ता ना इन चीजों से क्या हम लोग पेंडू लोग हम लोग जो प्लास कहते हैं ये लोग तो अंग्रेजी के इतने मुश्किल मुश्किल बोल रहे हम तो प्लास कहते हैं आजकल की जनरेशन में इंग्लिश में प्लायर्स होते हैं इंग्लिश में प्लायर्स तो सही है 3 points हो गए शेरदाद शेरदाद और आयशा तुम्हारे 2 points है अभी या 3 हुए अच्छा आपके भी दो आपके भी 3 हो गए आयशा के 3 हैं और आपके भी 3 हो गए ठीक है ओके जी आयशा आयशा के 3 हैं ठीक है अभी तक 3 देखते हैं 4 कौन बोल और नेक्स्ट पिक्चर प्लीज ये क्या है किसको पता है क्या है ओके ओके और बताओ किसको पता है अभी इसका मतलब 3 पॉइंट हुए आपके 4 है अब 4 हो गए 4 हो गए ओके जी नेक्स्ट पिक्चर ये किसी को पता है क्या क्या है क्रेट नहीं वो भी नहीं अभी अम्मा ही हेल्प करे मैं इसलिए कुछ नहीं बोल रही मेरे बच्चों ने एक मिनट एक मिनट क्या ट्रैश फोर नहीं क्या है चेस्ट करीब है जी नहीं ट्रेजर चेस्ट नहीं है ये पेटी है बेटा तीन की पेटी लेकिन आप इसे इंग्लिश में चेस्ट भी कह सकते हैं सो 4 points फॉर शेरदाद एज वेल वैसे बच्चों वाली चीजें दिखानी चाहिए थी तो बच्चों वाली चीजें तो सभी चीख चीख के बताते हैं अच्छा अब जैसे उसे झटकी बोला किसी ने भी नहीं बोला होगा वो बच्चों की ऑब्जर्वेशन है कि मासी झाड़ू लगा रही है सफाई कर रही है तो ऑब्जर्वेशन कितनी हाँ नेक्स्ट पिक्चर ये मान जाओ किसी को पता चल क्या करते हैं इस क्लिप से चुटकी मुझे पता है क्लिप से क्या करते हैं आयशा ने बोला है मुझे पता है क्लिप से क्या करते हैं आयशा को मैं इनके नंबर दूंगी अच्छा चुटकी बोला उसने क्लिप बोला आपने क्लिप से करते क्या है क्या करते हैं वैसे फिर इसने भी इंग्लिश में सही बोला सही बोला तो आयशा के हो गए 4 points अच्छा ओहो आपको याद है आपके 5 points थैंक यू आयशा सही चुटकी वाला लफ्ज सही लफ्ज है सॉरी आई हैव अच्छा अभी आगे बढ़ते हैं चलो नेक्स्ट पिक्चर ये पता ये तो सबको पता होगा एप्रन ही बिब है ये तो बिब है बिब किसने किसी ने बिब बोला परीशन ने बिब बोला उसने एप्रन बोला नाम ने नैपकिन बोला व्हाट डिड यू से आई वाज गोइंग टू से तो परीशन के कितने हो गए पॉइंट्स 3 or 2 पॉइंट्स हो गए ओके भाई गौर से देखिए आप नेक्स्ट पिक्चर प्लीज बकेट तो नहीं कैसे इसे जी जी बता दो बताओ किसको पता है बकेट नहीं बकेट तो नहीं कहते इसे J4 मग बिल्कुल सही आयशा के भी 5-6 हो गए 5 points यस आयशा के भी 5 हो गए ओके नेक्स्ट लेकिन ये मग नहीं मग्गा होता है हम तो मग्गा कहते हैं मग्गा ही कहते हैं वो बेचारे अंग्रेजी और उर्दू में मिक्स हो गई है ये तो बच्चों को कभी भी नहीं ये पता चल जाए दिस ये पता चल जाए भी नहीं होगा उन्होंने क्या एक मिनट परीक्षा के ये तो माओ ने भी नहीं देखा ऑब्जर्व कर रही है एक मिनट वीक नहीं है ये आयशा को पता है क्या है बताओ आयशा क्या है आयशा क्या करती है आप इसे हाँ भी क्या है स्पंज तो नहीं कहते इसे well, स्पंज है वैसे स्पंज है लेकिन वो जो तुम जो हमें चाहिए ना वो कोई बोल दे तो मजा आ जाए जो हमें चाहिए उर्दू वाला लफ्ज तो मुझे भी नहीं पता क्या है मुझे उर्दू वाला मुझे पता है क्या है इसको झावा वैसे लूफा लूफा इट्स अ लूफा इंग्लिश लूफा
कुल्फा नहीं है. ओके नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पिक्चर. सिंक 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 नो सिंक नो टब सिगरेट के लिए जकूजी 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 एस्ट्रे एस्ट्रे ये टू वे थ्री वे वन हुआ थोड़ा. ओके एस्ट्रे. अच्छा हमारे घर में एस्ट्रे है ही तो बच्चों को पता ही नहीं एस्ट्रे क्या है. अच्छा अब ये वाला गेम खत्म हो गया. इसमें सिक्स किसी के भी नहीं हुए क्या? किसकी सिक्स हुए? किसके? आयशा के. अच्छा भाई आयशा के सिक्स हुए तो लाओ भाई वो लाओ गिफ्ट लाओ भाई इस वाले गेम का. देखो जितने भी गिफ्ट मिलता है. ओके बलाजी आयशा को पहनाओ. चलो आयशा आप खड़ी हो ना. ओके नेक्स्ट नेक्स्ट जो है ना हर तरफ आपको पता है आपको खुद फील नहीं हो रहा लेकिन आज आपके जो वेवर्स है ना वो बहुत एंजॉय कर रहे होंगे. आज आप होस्ट प्लस मम्मा है बटन भी नहीं होस्ट मम्मा. पता है मैं ना ब्रेक के अंदर मेरे अंदर असल माँ निकल रही जैसे घर में डांटती वो आज जा रही है. बड़ा कंट्रोल करना पड़ रहा है मुझे. बलाज इधर ही बैठ जाओ प्लीज. अच्छा अब ना मैं सारे बच्चों से विशेज उनकी पूछूंगी कि उन्होंने क्या बनना है. सबसे बातें होंगी क्या पसंद है एक एक करके हम. ठीक है चलो भाई पहली पिक्चर दिखाओ. ओके देखिए भाई पायलट है डॉक्टर है पुलिस. डॉक्टर बनोगे आयशा? परीक्षा क्या बनेगी? आप क्या बनोगे शामी? आप क्या बनोगे? क्या हुआ तीनों में से कुछ नहीं बनना? सोच रहे क्योंकि तीनों पसंद के. हाँ भाई आप बताओ शेरदाद आप क्या बनोगे? कहीं जल्दी रिप्लाई करते हैं. पुलिस पायलट या डॉक्टर? अभी सब इतने डबल माइंडेड हो गए ना. आप बताओ भाई आप क्या बनोगे? डॉक्टर. डॉक्टर ओके. शान से क्या बनेगी? साशा सॉरी पायलट. पायलट और अहमद आप क्या बनेंगे? पुलिस. फरीद कह रही हूँ मैं. तो क्या बनना है आपने? ट्रेन इंजीनियर. अच्छा वो तो बता जो ट्रेन इंजीनियर. एक दफा ऐसे ट्रेन में बिठा दो यहाँ की. मुझे लग रहा है कि ये दोनों बच्चे भी शायद इस वजह से कंफ्यूज हुए क्योंकि उनका ऑप्शन नहीं होगा शायद. अनदर ऑप्शन कोई. अब सोच लिया आपने क्या बनना है? क्या बनना है मिसाइल को? प्लेन. क्या बनना है? प्लेन चलाना है. प्लेन चलाना. ओके जी नेक्स्ट पिक्चर प्लीज. नेक्स्ट पिक्चर. अच्छा भाई आपका फेवरेट खाना सारे बच्चों का. बलाज आपका फेवरेट खाना? देखो एक पिज्जा है बर्गर है और सालन रोटी. आपके पास माइक है? और आपने क्या खाना है? पसंद का खाना तो पिज्जा है. वैसे बलाज बेचारा सालन रोटी और सालन चावल खाते हैं. सारे बच्चों का इज्तिमाई जवाब आ रहा है. आपका क्या है पसंद? पिज्जा. आपका साशा? पिज्जा. आपका बर्गर. ओके आपका आयशा? I think I should give silent roti. Okay. देसी ये नया है क्या? हाँ वैसे तो अभी सबसे पहले पिज्जा आया था. आपका भी पिज्जा? सब बच्चों को पिज्जा पसंद. शामी पिज्जा. हाँ और मिठाई क्या खाना है? हाँ बर्गर आ गया भाई. बर्गर खाना है. ओके नेक्स्ट पिक्चर प्लीज. ओके आपका स्कूल का फेवरेट सब्जेक्ट साइंस इंग्लिश या मैथ? मैथ साइंस साइंस साइंस. ओह ग्रेट आयशा इंग्लिश. ओके हाँ वो नहीं साइंस मैथ. ओके ये स्कूल नहीं जाते. आपको क्या पसंद है? मैथ. बड़े आज तो यहाँ बड़े मैथमेटिशियन बैठे हैं. सारे बच्चे मैथमेटिशियन को मैथ दिया था. नहीं आयशा को मैथ सब्जेक्ट है लेकिन वो इंग्लिश में के चल रही. ठीक है लगे रहो. ओके नेक्स्ट पिक्चर. एज अ पेट आपको क्या पसंद है? बर्ड कैट या डॉग? आपको क्या पसंद है बला? अहमद आपको क्या पसंद है? आपको साशा? पपी. All of them because we have all of them. Oh! I like puppies and cats.
ओके एंड आयशा, आप आयशा अपसेट हो रही हैं देख के, क्योंकि अभी थोड़े दिनों पहले आयशा के एलिस की डेथ हुई है. हाँ आपको क्या पसंद है? कैटी. मिकाइल को क्या पसंद है? और मिकाइल आपको? अच्छा नेक्स्ट पिक्चर सबकी पसंदी क्या है? अच्छा भाई सच्ची बात ये है कि आजकल सारे बच्चों के हाथ में आईपैड मोबाइल्स होते हैं, तो किसको ज्यादा गेम्स खेलना पसंद है या बाहर खेलना, पार्क जाना, फुटबॉल खेलना? बताओ मुझे कौन है वो जिसको गेम्स खेलना पसंद है आईपैड पे? आपको गेम्स पसंद है? बताओ 1 2 3 4 5 नहीं ये सब आईपैड वाले देखने नहीं देती टैब. मम्मा टैब नहीं देखने देती, बाहर जाना पसंद है इनको. और किसको बाहर पार्क में खेलना पसंद है? पार्क में बताएं किसी को भी आयशा आयशा देखिए लुक से आयशा आपको पसंद है पार्क. बस दो बच्चे हैं जिनको पार्क में खेलना पसंद है. मैंने स्विमिंग पूल भी घर में लेके रखा हुआ है. मैं मोस्टली यही करती हूँ कि अगर पार्क नहीं ले जा सकती तो घर में पूल के अंदर इनको बैठा दिया, तो वो एक थोड़ी सी एक्टिविटी हो जाती है. मेरे तो कजन्स को इनके स्पेशली घर पे बुलाया जाता है, फिर वही जो पूल तुम बता रही हो ना वो लेके उसके अंदर सारी बॉल्स वॉल डाल के वो घर में एक पूल वाला वाटर पार्क तो यही कर सकते हैं. पार्क भी अब मेरे ख्याल से सेफ नहीं है. वही तो. ओके जी नेक्स्ट पिक्चर. जबरदस्ती बैठी. अच्छा भाई बर्थडे इमीडिएट फैमिली मामा डैडी बहन भाइयों के साथ क्या सारे फ्रेंड्स के साथ क्या पसंद है? भला एक ही सबका जवाब होगा. मैंने अपनी बर्थडे पे मेरे सारे फ्रेंड्स को बुलाया और खोपो को बुलाया. नहीं पसंद क्या है? भला जदू का फ्रेंड्स के साथ पसंद है भाई. हमें तो उसने आउट कर दिया. अब मामा डैडी के साथ तो आपको पसंद नहीं है? नहीं नहीं बहुत नहीं, एक चूज करना है. अहमद आपको कैसी बर्थडे पसंद है? फैमिली के साथ के फ्रेंड्स के साथ? फैमिली. साशा आप बताओ? फ्रेंड्स. और आप? बोथ बिकॉज वी बट यू आई डू इट. चूज वन. फ्रेंड्स. सच्चे बच्चे. हां भाई आप लोग बताओ. मिकाइल आप बताओ. मॉम मॉम के साथ. मॉम किसी किसके साथ सेलिब्रेट करनी है? आप ही के साथ करिए भाई. और आप ही आपको किसके फ्रेंड्स के साथ के मामा डैडी के साथ? फ्रेंड्स. और आयशा को आज क्या कर रहे हो? आयशा को किसके साथ करनी है? फ्रेंड्स. ओके एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जरा हम हैप्पी बर्थडे गाएं आपके लिए. हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर बालाज, हैप्पी बर्थडे टू यू. अच्छा ब्रेक पे जाओ आप चलो कुछ होस्टिंग करो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान की. नहीं नहीं मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद. बोलो मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद. गुड मॉर्निंग नहीं अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज नहीं. गुड बाय फॉर नाउ. नो 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 नॉट गुड बाय, जस्ट शॉर्ट ब्रेक. वी जस्ट टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक. चलें जाएं भाई इतना. वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. आज तो भी बर्थडे पार्टी है वो रियल वाली. हम जो पुरानी बर्थडे पार्टीज करते थे इसमें गप्पे मार रहे होते थे वो अब हम नहीं कर सके. इन सब बच्चों को गेम्स चाहिए, खेलना चाहिए. क्यों बच्चों क्या चाहिए आपको? शो पे क्या चाहिए? गेम्स. अच्छा अब हम पता है क्या नेक्स्ट गेम हमारा क्या है? बलाज अहमद सुनो, चिप्स खाने का गेम नहीं है. अब यहाँ सामने ना आपके बॉल्स रखी हैं. सुन लो सारे बच्चों, फिर मैं बाद में नहीं बताऊंगा. यहाँ हमारे सामने ना बॉल्स हैं. बॉल्स को ना जैसे मम्मा आपके मुंह में खाना डालती है, जैसे जबरदस्ती खाना खिलाती है, खाओ इसके मुंह के अंदर निशाना लगा के बॉल डाल दी. क्योंकि ये भूखे हैं, क्योंकि ये बच्चे इन्होंने नाश्ता नहीं किया हुआ तो इनका हमने पेट भरना है बॉल. अच्छा लेकिन हम दो टीम्स बनाएंगे. एक टीम होगी साशा शेरदाद बालाज और अहमद की, और फिर एक छोटे बच्चों की टीम होगी जिसमें होगी परीशे आयशा शामीर और मिकाय. ठीक है क्योंकि फिर हम बड़े और छोटे बच्चों का मुकाबला नहीं कर सकते ना एक साथ. तो आप लोग रेडी हो बड़े बच्चे? चलो अब खान बाद में खा. ठीक है
सर आज वो सब अपनी अपनी बकेट्स के सामने अभी अभी आप छोटे अभी सिर्फ आप लोग खड़े हो जाओ बल अहमद बलाज ओके अब हमने देखना ये है पीछे थोड़ा सा पीछे हो बलाज अपनी बॉल के आगे जाओ ना उधर बकेट के आगे अब देख लो अहमद आपने यहाँ यहाँ फेंकना है इस तरफ करो और बकेट इस तरफ करो ये बॉल इतनी वो हैवी नहीं है अच्छा हाँ तो करीब करने के नादिया बताओ नहीं नहीं यहाँ से थ्रो करना है नादिया ये सही है हाँ थोड़ा सा और आगे ले आओ एम इतना भी नहीं होगा ना बॉल बहुत हल्की है सही है रेडी हो कैमरामैन बलाज नाउ प्लीज ओके फोकस जिस बच्चे ने ज्यादा बॉल्स बच्चे के मुंह में डाल दी वो विनर होगा ठीक है पलाज बॉल उठाओ हाथ पे रेडी गेट सेट ऑन योर टाइम स्टार्ट्स नाउ अमर एक बॉल चली गई अंदर वाओ अमर दूसरी भी चली गई वाओ पलाज आप सबसे आगे जा रहे हो पलाज पीछे हो ज्यादा फ्री नहीं हो पलाज पीछे हो बलाज को बढ़ते हैं उसको करने दे ओ माय गॉड ये तो बड़ा मजा आ रहा है बलाज वहीं चले जाओ करीब इतनी दूर पीछे हो बेटा आप बहुत आगे हो बलाज बहुत आगे हो गए हो ओके और अभी सेकंड पे मुझे साशा की लग रही है और ओके तो सबसे जो ज्यादा बॉल्स है ला भाई मेडल ला हले काउंट कर लेना चाहिए इसकी आमद की ज्यादा है काफी ज्यादा है मुझे नजर आ गया देख लिया काउंट कर लो देख लो टू मैं साशा की काउंट कर रही हूँ बड़ा मुझे एक बकेट ला के दो खाली वाली लाओ जल्दी बकेट लाओ टेन इसकी टेन है आपकी कम है बाबा एक साशा की पिंक की ऑलरेडी मेरे हाथ में है साशा की एक दो तीन वो मैंने देख के मुझे अंदाजा हो गया था तो अहमद आप जीत गए अच्छा कर लो वैसे इसकी काम है इन लोगों से सबकी काम लाओ मेडल लाओ अभी वो शेरदा की काउंट कर ले हाँ टेन एट सेवन बलाज की तो मैंने काउंट ही नहीं की आ जाओ भाई बलाज बलाज इधर आओ इधर आओ अब ये मेडल आप दोगे जरा बाकी की तैयारी कर लो ना जल्दी से रख लो आप और ये इन बच्चों के लिए और करीब करो अच्छा चल बलाज हटो हटो बलाज इन बच्चों के लिए और करीब करो हाँ इनके लिए और करीब करो बिल्कुल करीब होने चाहिए नहीं भाई ये और करीब यही होता है सारी बर्थडे पार्टीज में ऐसे हाँ इनको इतना करीब करना होगा छोटे छोटे से है ना ये लोग ओके अब आ जाएंगे शामी बलाज नहीं करें प्लीज आप लोगों ने अलग अलग अपनी बास्केट्स के साथ खड़े हो गए सब अपने अपने बास्केट्स के सामने आयशा इधर आओ आयशा इधर आयशा इधर आओ आपकी बलाज हटो हटो बलाज ओके आप लोग रेडी हैं सारे बच्चे रेडी हैं सही है कर दो सही है ओके रेडी गेट सेट गो
सब हेल्प करो गिनने में अम्माओं. ओके परीक्षा की एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह माय गॉड फोर्टीन माय गॉड परीक्षे के 14 मिकाइल के 10 मिकाइल के 10 और यहाँ ओके वन है फोर कितने हैं भाई आयशा के फाइव भाई परीक्षा के 5 परीक्षा के 14 बड़े बच्चों से भी ज्यादा लाओ ओके बलाज ऑलरेडी आपको मैं किधर साइड पर खड़ी हूँ इस तरफ आओ बलाज क्या कर रहे हो तुम लोग बैठ जाओ आ जाओ बच्चों सब इधर आओ बच्चों मैडल आओ परीक्षा इधर आओ सामने ऐसे शेरदाद आके तो बैठ जाओ जल्दी से शाबाश चलो बलाज आप परीक्षा को मेडल पहनाओ अहमद इधर आओ कैमरे के आगे आगे ये जबरदस्त भाई अच्छा चलो भाई इधर आ जाओ बलाज आप इधर आओ मुझे उधर का सेटअप चेंज कराना आप इधर आओ चलो अब सबसे कोई ना कोई बात पूछेंगे ठीक है ना चलो भाई परीक्षा अच्छा आप विनर हैं ठीक है अब मुझे ये बताएं कि आपको अपनी मम्मा में सबसे अच्छी बात क्या लगती है सबसे अच्छी मम्मा की क्या बेस्ट बात है कोई तो होगी चलो साशा आप बताओ जब तक परीक्षा सोच रही है आपको आपकी मामा की बेस्ट बात कौन सी लगती है साशा किसको पहले बताना है क्यों अच्छी मिकाइल मामा क्यों अच्छी बताना है याद आ गया मामा जब भी कहती है कि आ जाओ पाशु आप मेरी थोड़ी हेल्प करो आप जंगल सामान करने में तब मुझे मजा आता है तब आपको मम्मा बहुत अच्छी लगती हैं अच्छा भाई आयशा मुझे अच्छा लगता है कि मम्मा मुझे बोलती है जल्दी टैब रख दो जल्दी क्या करो टैब रख दो आपको आपको अपनी मम्मा अच्छी क्यों लगती हैं परीक्षे आयशा क्योंकि वो मेरी हर बात मानती हैं ओके करती हूँ मतलब वैसे फॉलो करते होंगे लोग लेकिन आयशा के अंदर मुझे नजर आता है कि सबसे बड़ी फैन मेरी यही है ईच एंड एवरीथिंग मतलब सैंडल्स भी फॉलो करेंगी तो मेकअप भी फॉलो करेंगी हर चीज बात करने का अंदाज भी तो मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है अच्छा लगता है बड़ा बड़ा हाँ बताओ साशा अब याद आया मम्मा आयशा एक मिनट हाँ मिकाल बताओ निकाल बताओ क्यों अच्छी मामा आई डोंट नो मैं मुझे ना टाइम कर रहा वो मेरे में सुनने दे रहा अच्छा मामा इट्स कैंडी टाइम और मैं कैंडी डालता हूं हां अच्छा शामीर आपकी मामा आपको क्यों अच्छी लगती है मामा क्यों अच्छी है शामीर वी हैव टू बर्स्ट देम आउट हां हां खाना बनाती है भाई इसकी अच्छी है मामा अब याद आया आपको शेरदाद शामी ने सही मर्दों वाली बात की मेरी मामा इसकी अच्छी है खाना बनाती है मैदे से होकर दिल में जाती है इसकी बेगम आप सोच लो कैसी क्या क्या उसके ऊपर बीतने वाली है अच्छा आमर आपको आपकी मामा क्यों अच्छी लगती है Because she is nice. Shehzad, you tell. So many times. अच्छा, बलाज आपकी मामा आपको क्यों अच्छी लगती है? मैं आपको हग करती हूँ और उर्दू में आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मैं उर्दू में बोलूंगा क्योंकि मुझे लिपटती है ट्राई किया ना मुझे लग रहा है मैंने गूगल खोला है और हग का मतलब पूछा क्योंकि मुझे लिपटती है
ओके अच्छा भाई अब जो नेक्स्ट वाली एक्टिविटी है ना वो तो बहुत ओके अच्छा अब वो भी हम एक एक करके खेलेंगे ठीक है जो बड़े बच्चों वाला ग्रुप है शेरदा देखो शेरदा दूसरा गेम आ रहा है जल्दी आ जाओ जल्दी 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 देखो भाई इसमें क्या है जैसे पिनियाटा होता है ना पिनियाटा से कैंडीज आप यूं ऊपर से तोड़ते हो मतलब लाइक उसको डंडे से मारते हो इस तरह वो थोड़ा डेंजरस हो जाता तो हमने क्या किया इस तरह का पिनियाटा बनाया ठीक है और आप लोगों ने क्या करना है बास्केट्स आप लोगों को मिलेंगी उन बास्केट्स में आपने इसको मुक्का मार मार के इससे टॉफीज निकाल के जमा करने जिससे अपनी कैंडीज सबसे ज्यादा भर ली ना बास्केट में वो जीत जाए ठीक है अच्छा एक मिनट एक मिनट अभी सबसे पहले हम बड़े बच्चों से शुरू करेंगे और बड़े बच्चों का सिर्फ एक ये है सही है बड़े बच्चे ऊपर वाली रॉ ऊपर ओके वन पूरा एक बड़े बच्चों का एक छोटे बच्चे यहाँ बड़े बच्चों आपको ये नहीं करना ये छोटे बच्चों के लिए ठीक है चलो जी ये आपकी बास्केट ये आपकी अभी रुक जाओ जब मैं स्टार्ट करूंगी आ जाओ मैं सिर्फ ये इसको नहीं फोड़ देना नॉट दैट वन ओनली दैट दिस वन यस एग्जैक्टली एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ बास्केट्स देख लो किसकी ज्यादा है फैसला करो ये बलाज की है ये आमद की है ये साशा की है और ये शेरदाद की बलाज बलाज या अहमद कौन पहनाएगा बलाज अब सारे बच्चे बलाज जीत गया ओके भाई बलाज की ज्यादा है लाओ भाई बर्थडे बॉय जीत गया इसमें तो लाओ भाई बर्थडे बॉय और जो सबसे ज्यादा कैंडीज खरीदेगा वो फिर कैंडीज भी उसी की लेकिन कैंडीज खाने से होता क्या है बलाज ज्यादा खा लें तो क्या होता है वो थोड़े में अंदर टूथेक एग्जैक्टली आई वांट इट ऑल टुडे नहीं नहीं आज आपकी बर्थडे पे आपको टूथेक चाहिए आई सेड आई विल नॉट ईट ऑल टुडे थैंक यू सो मच एंड आई शेरदाद कम हियर ये हैप्पी बर्थडे ये ओके बलाज हटो अब रस्ते से अहमद और बलाज इधर बैठ जाए अब आएंगे छोटे छोटे से क्यूट बेबी अच्छा ये मैं इस तरफ करवा लूं ये हटाओ एक मिनट अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अच्छा ये फिक्स हुआ है नहीं हो सकता ये फिक्स हुआ हो सकता है नहीं थोड़ा उस तरफ ले जाओ छोटे बच्चों ने तो ज्यादा टॉफियां उठाई दिखाओ भाई मिकाइल
हाँ क्योंकि मुझे तो सबसे मुझे मिकाल और आयशा की सबसे ज्यादा लग रही है देखने से. मुझे लग रहा है तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है मिकाल की ज्यादा है. देखो हाँ मिकाल का है ये है ना. मुझे भी मिकाल की देखो ना सबसे ज्यादा है. ओके अच्छा अब क्या करें? मुझे लग रहा है बराबर है दोनों की, नहीं तो सुबह हो जाएगी वो भी. चलो भाई दोनों को दे देते हैं परीशे और अब कौन सी थी परीशे और मिकाल. लाओ बहुत बलाज चॉकलेट बस कर दो रख दो हाइपर हो जाओगे. अच्छा इधर आप पहनाओ. मैं पहना दूं? चलो ओके वाओ शेजाद उस सारे पीछे जो कैमरे है उसमें आपकी बैठ आ रही है. अच्छा ठीक है ओके. चलो भाई परीशी की शक्ल देखो जरा कैसे जब उसकी माँ ने बोला शामीर को पहना देना तो उसका क्लोज बनाओ कि परीशी की शक्ल कैसी हुई. यस 33 कैंडीज हैं. चलो भाई परीशी की जगह ना हमने शामीर को दे दी. खड़े और ब्रेक पे जाओ. चलो भाई सब ब्रेक की आवाज लगाओ. सारे बच्चे खड़े होके ब्रेक के. चलो भाई ब्रेक पे जाएंगे सारे बच्चे. कहाँ जा रहे हैं? इधर ही. रेडी गेट सेट मिलते हैं ब्रेक के बाद. वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. बलाज की प्रॉपर बर्थडे पार्टी हो रही है और वही जिस तरह मैं घर पे हाइपर होती हूँ यहाँ पे भी हाइपर वैसे ही हो रही है. शोर शराबा बहुत मुश्किल काम है भाई बर्थडे अरेंज करना. गला ही बैठ जाता है मुझे अच्छे से याद है. अच्छा अब जो नेक्स्ट गेम है बलाज इधर आओ. नेक्स्ट गेम ये है कि साशा और शेरदाद पार्टनर्स हैं और अहमद और बलाज पार्टनर्स हैं. अब करना ये है कि ये जो बॉल है ना आप लोगों को यहाँ पे रख के अपने हाथ से नहीं उस होल में लेके जाना. हाँ. सही है आपने इससे फूंक मारनी है इसे क्यों करके. ठीक है इसको फूंक मार मार के उस होल में लेके जाना. ठीक है समझ आ गई आप लोगों को? बलाज अब चिप्स बाद में खाना. आपको गेम का कोई एक्साइटमेंट नहीं है? नाश्ता तो करके आए हो. ओके जी रेडी हो आप लोग? मुझे ये बॉल्स कम लग रही हैं. आपने पहले डाल तो नहीं थी इसमें? पक्का? चलो बलाज स्ट्रॉ आप इसको वो कर रहे हो. ये लो मेरी स्ट्रॉ ले लो. रेडी गेट सेट एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टीम बनाई बहुत चलाती की यहाँ से आमद भेज रहा था बलाज वहां खड़े होकर फूके मार रहा था. ये लोग ये कर रहे थे इन्होंने बस चलाती से टीम बना ली क्योंकि एक्चुअली एक साथ बहुत खेलते हैं तो इसलिए इनको शायद पहले से पता था कि हमें करना क्या. वाओ ओके ला भाई इस दफा जो है आमद और बलाज की जो पार्टी है वो जीत गई तो मम्मा पहनाएंगे उनको. हां ओके और बच्चों आपने देखा ये कैसे खेलते हैं अब आपको समझ आया? ये लो भाई आमद ये बलाज बलाज ओके लाओ भाई दूसरी पार्टी के लिए यहाँ की बच्चियाँ पार्टी छोटी छोटी सी बच्ची ओके बलाज तो आप खेल करोगे. अच्छा बॉल खेलो ओके. अच्छा भाई अब ये सब नई स्टॉल है. अच्छा पार्टी में पीछे मूव कर दूं ना क्या जगह नहीं है ना इसमें. ओ चलो बच्चों छोटे वाले
आपने देखा इन्होंने कैसे खेला, खूब मार मार के खेला। सही है, वो खाली हो गया। तो आयशा आपकी स्ट्रॉ किधर है? ये आयशा की स्ट्रॉ है और ये। अच्छा निकाल, अब जो आप दोनों ने मिलके ये टीम आयशा और निकाल की है, वो टीम सामीर और परीक्षा की। अहमद इधर आओ, अहमद कैमरे के सामने। तो आप लोग रेडी हो? रेडी, गेट सेट गो। निकाल जीत गए, गुड टीम वर्क। लोग थोड़े और छोटे हैं, लाओ भाई मेडल्स, मेडल्स लाओ, मेडल्स लाओ, बच्चा पार्टी, मेडल्स। ओके, आयशा और निकाल जीत गए हैं। आ जाओ आयशा, वाओ निकाल, कुछ कोई गिरा तो नहीं? ये भी परेशानी, कुछ गिर ना जाए, कुछ कुछ ना हो जाए। अच्छा भाई बच्चे, ये लोग ये हटा दे, ये हटा। अच्छा मैं इस तरफ चली जाती हूँ, क्योंकि मैं अब जाहिर है ये सेटअप अगर ना होता तो वो बर्थडे का एम्बियंस ही नहीं बनता। इसलिए मैं सबसे पहले बुलाऊंगी जो इवेंट प्लानर है अनम तारिक, उनको, ताकि वो आके। आपके पास माइक है या मैं लेकर आऊँ? माइक, हैंड माइक, हैंड माइक। तो अनम तारिक फ्रॉम मोमेंट्स एंड मेमोरीज। बच्चों बच्चों आप सब लोग उधर चले जाओ, अमन आप लोग उस तरफ जाओ। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। आई वांट टू से थैंक यू कि आपने बजाज की फेवरेट टीम है थॉमस और वो ये सब क्रिएट किया, क्योंकि इसकी वजह से बर्थडे बर्थडे लगे। थैंक यू वेरी मच। हमारे बच्चों ने तो जुम्मा बाजार बनाया। इस वक्त बड़ी ज्यादा बर्थडे तो नहीं हो रही है कोरोना की वजह से, थोड़ा सा गेट टुगेदर घर में ही हो रही है, तो आपको कितने अर्से पहले बताया जा? मिनिमम 2 वीक्स पहले, बट हम कोविड की वजह से हमने एक नया इनिशिएटिव भी निकाला है। अच्छा, कि हम लोगों को एक पॉपर पार्टी के नाम से एक बॉक्स सप्लाई करते हैं, जो कि बर्थडे की सप्लाईज होती है उसमें। ओके, सो पीपल, जो वो लोग जो कि कोविड की वजह से एक्सटर्नल एक्सपोजर नहीं चाहते, सप्लाईज देते हैं एंड दे कैन डू इट देमसेल्फ्स। बहुत अच्छा है। सो आप हमारे पास हमें सप्लाईज मतलब हमें बुक कर सकते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके पास आई थिंक टिकट चल रहा होगा, टिकट चल रहा होगा, तो वो उसके साथ उसके थ्रू आप हमसे बुक कर सकते हैं, किसी भी थीम का आपको वो सप्लाईज दे सकते हैं। जबरदस्त, थैंक यू अनम, थैंक यू सो मच। और जी वो खानदानी डॉक्टर की तरह खानदानी डिजर्ट फरजाना वामिक को मैं बुलाना चाहूंगी, जिन्होंने ये केक खूबसूरती से बनाया है। कप केक्स हैं, केक है, आज है फरजाना। फरजाना से आप लोग पहले भी मिल चुके हैं हमारे शो पे। फरजाना वामिक तुम्हारी उसका नाम बताओ भी, डिजर्ट उसका? मेरा लुक एंड को, लुक एंड को, और ये केक है,
इन्होंने फिला का भी बनाया, यासिर का भी, हर बर्थडे पे ये हमारा केक बनाती है। सर मैं डॉक्टर हो गई ना आप लोगों की, वही मैं कह रही हूँ फैमिली डॉक्टर। तो फरजाना मुझे ये बताएं कि आपको ऑर्डर प्लेस करना है फॉर कप केक्स, फॉर बिस्किट्स, कुकीज, केक, ये सब टेबल के लिए, तो कितने अरसे पहले ऑर्डर? कम अज कम 2 दिन पहले, वैसे तो हम ज्यादा टाइम लेते हैं। अच्छा, केक अगर बाज दफा होते हैं बहुत इमरजेंसी में किसी की हो गई तो कम अज कम भी 2 दिन। 2 दिन तो जरूरी है। इतनी सारी चीजें, कौन कौन से ऑप्शन है जो केक में हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, कौन कौन से केक के फ्लेवर्स हैं? फ्लेवर्स तो मेरे पास सारे ही हैं। अच्छा, चॉकलेट, वनीला, चॉकलेट और वनीला ज्यादातर चलता है। क्योंकि बच्चे आपको पता है चॉकलेट पसंद करते हैं, पेरेंट्स जो हैं वो वनीला पसंद करते हैं। अच्छा, केक के साथ और साइड डिजर्ट्स क्या क्या रख सकते हैं? अब तो मतलब पहले तो मैं खाली बेकिंग के आइटम्स करती थी, बट अब मैं सारा कुछ करती हूँ। अच्छा। जैसे हम बर्थडे पार्टीज होती हैं तो उसपे स्नैक्स भी होते हैं। ओके। तो वो सब कुछ, बच्चों के मिनी समोसा, जी जी सब कुछ। हाँ, अब आजकल तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजें आ गई हैं, तो वो बहुत कुछ माशाल्लाह होने लगा। थैंक यू सो मच फरजाना, थैंक यू। तो जी, यहाँ बच्चों की बर्थडे पार्टी जो है वो रूज पर है, और अब क्योंकि हंगामे, मुझे आवाज आ रही थी कि बहुत हंगामे, हम इनको फुल मस्ती करने देंगे। अभी पता है क्या मस्ती हो रही है? ये बलून छोड़ो, ये बलून छोड़ो। अब आप लोगों को, आप हमारे पास 4 और है ना छोटों के लिए। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं कि आप चारों इस टब में जाएंगे अलग अलग कलर्स वाली, और आपने अपने पैरों से जंप करके बलून्स को पॉप आउट करना है। सबके पास बराबर बलून्स है। शेरदा इधर आओ, इधर आओ। नो, शूज के साथ ही हो जाएगा पॉप आउट, समझ गए? आप लोगों ने जंप कर करके बलून्स को फाड़ना है। जिसके सबसे ज्यादा बलून्स पॉप आउट होंगे, इधर आओ, वो जीत जाएगा। क्या? अच्छा, बैक देखो, वो सारे कैमराज है ना, उधर बैक नहीं करनी, उधर फ्रंट करना है। ओके, चलो आप उधर चले जाओ, वो बर्थडे, इधर आओ बलाज, इधर आओ। आपने बैक नहीं करनी कैमरे पे, ठीक है? सारे कैमराज है, मुंह उधर रखना है फ्रंट। रेडी हो क्या? अच्छा, कलर्स चेंज हो रहे हैं सबसे आपस में। रेडी, गेट सेट, गो। क्योंकि हम पता ही नहीं लगा सकते किसने कितने पॉप आउट। हाँ, आपस में सबके बच्चों नहीं हो सकता, और ये तो छोटे तो कभी भी नहीं कर सकते, छोटे नहीं, नहीं। ये बड़ों से नहीं हो रहा तो छोटों से कभी। हाँ, तो म्यूजिकल चेयर्स रख लें, हाँ म्यूजिकल चेयर्स कर दे जल्दी जल्दी। ओए होए, ये अब, ओए होए होए होए, ये बच्चों का फेवरेट आइटम होता है बर्थडे में। आप लोगों को भी फाड़ने, अब चलो चलो। म्यूजिकल चेयर्स कौन खेल रहा है? जल्दी 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 यही रखो। हाँ, म्यूजिकल चेयर्स कौन खेल रहा है? उल्टा करो ना, क्या हो गया तुम्हें? बहुत मुश्किल है ये। बलून रख दो, बस बस बस, ओके। हाँ, सबसे डेंजरस, हाय हाय। चलो भाई, क्या हो गया यार? नहीं, फिर इतना ज्यादा लंबा टाइम नहीं है हमारे पास। ये बोर्ड हटाओ, हटाओ। चलो बच्चों, म्यूजिकल चेयर्स, वो वाला भी, वो वाला भी।
सही है नादिया, नहीं जब बच्चे भागेंगे ना वो टकराएंगे, नहीं टकराएंगे, बहुत दूर है। नहीं यार जब बच्चे भागते गिर जाएगा ना, नहीं हो सकता। बस बस चलो आओ भाई, बस सारे बच्चे आओ, अहमद एंड शेरदाद, बस बस मेरी कोई नहीं सुन रहा भाई, बहुत मुश्किल है। अच्छा म्यूजिकल चेयर्स नाउ, म्यूजिकल चेयर्स कम हियर भाई, आप हेल्प करो ना, तुम लोग तुम्हारे बच्चे, किसी के बच्चे नहीं सुन रहे। मिकाइल मिकाइल अब सब खेलेंगे बच्चे, चलो भाई हम रेडी हो रहे हैं, जिससे म्यूजिकल चेयर्स खेलना ना आ जाए। रेडी गेट सेट म्यूजिक। मैंने खुद रखी, टाइम नहीं है नादिया। हाँ चलो दोनों बहन, हाँ मैंने खुद टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी खेल, चलो छोटू है ना सबसे छोटू। ओके खड़े हो, खड़े हो सब लोग, खड़े हो जल्दी से, फिनिश द गेम फर्स्ट, स्टैंड अप अगेन। साशा सॉरी सा, नहीं तुमने क्यों हटाई, मैं हटा, बस 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 ऐसे ही रखो बेटा, सब क्यों हटा रहे हैं। चलो रेडी गेट सेट म्यूजिक। बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला, कोई बात नहीं, इतने सारे गिफ्ट। ओके खड़े हो जल्दी जल्दी अहमद, ओके रेडी गेट सेट म्यूजिक। ओके वहां रखो वहां, हाय मेरा सांस फूल रहा है। रेडी गेट सेट म्यूजिक। सही हो गया, लगा तो नहीं। ओके 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 टेक अवे वन, हाँ अब आराम से गिरना नहीं। रेडी गेट सेट म्यूजिक। ये दोनों बहुत तेज हो गए। अच्छा ऐसे करेंगे, नहीं नहीं लग जाएंगे नीचे करेंगे, नहीं नहीं नादिया वो डंडे लग जाएंगे उसके, हाँ हटो। ओके अच्छा एक मिनट, खड़े हो खड़े हो, सिर्फ येलो है जिसपे बैठ सकते हो, ग्रीन वालों में, ग्रीन वाले इसलिए रखे अहमद कम हियर, ग्रीन वाले इसलिए रखे कि उसपे कोई नहीं बैठे, सिर्फ येलो पे विनर बैठेगा। ठीक है रेडी गेट सेट म्यूजिक। चलो भाई केक काटते हैं। अच्छा भाई दोनों एक्चुअली जो है ना वैसे अहमद जीता है, भला आपने बेईमानी की है। अच्छा चलो अहमद आप भी पहना दो उसको, ओके। और अब केक कौन काटेगा, ये आ जाओ, चलो 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 सब बच्चे आ जाओ। आयशा आज बलाज, इतने ईद के शो करने में भी मैं नहीं थकती जितना। इधर आओ बलाज, बलाज इधर आ, बलाज इधर आते हैं, सब लोग इधर पीछे आएंगे ना, सब लोग पीछे आएंगे, नजर आ रहे हैं, छुप गया छुप गया, तो कुछ देते ना तुम लोग, एक चेयर दे दोगी यार आते हुए।
सारे बच्चे चुप रहे हैं। हाँ ना, सब चुप रहे हैं। टेबल और छोटी होनी चाहिए। एक चेयर दे दो बेटा। मेरे वाले बिल्कुल नहीं आते। तुम्हारे वाले आगे इस तरफ खड़ा करो। हाँ लाओ, तुम लोग आ जाओगे नजर, इधर आओगे। हाँ बलाज खड़ा हो, क्योंकि ये लोग बलाज इसके ऊपर खड़े होंगे। एक मिनट एक मिनट। हाँ अभी चलो मैं पकड़। हाँ बलाज, अच्छा इन दी एंड आप अपने सारे फ्रेंड से कुछ कहना चाहोगे? हाँ कुछ भी नहीं कहना चाहोगे? मुझसे तो कुछ कह लो, थैंक यू कह दो मेरी टीम। इस वक्त बच्चे बहुत हाइपर हुए हैं। ओके क्या केक काटे? बलाज कितने साल के हैं आप? नहीं आप मुंह से बोलो ना। ओके ओके चलो मिला। रेडी गेट सेट सेवन। हैप्पी बर्थडे। जी जब हमारा प्रोग्राम खत्म होगा, एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हैप्पी बर्थडे, वेलकम वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जिस सारे बच्चे हाइपर हुए, मैं भी बहुत हाइपर हुई हूँ क्योंकि मैंने मीठा खाया हुआ है। लेकिन खैर है, मैं अपने आप को काम करती हूँ। और एक और हाइपर शख्स मेरे साथ है। ये पूरा शो अकेले खुद संभाल सकते हैं। तो ओवर टू यू, साहिल लोधी हमारे साथ हैं अपनी बहुत ही जबरदस्त ब्रांड अमोर के साथ। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हमेशा ऐसा होता है कुछ जब नया होता है ना। हाँ। तो आप ही के शो पे होता है। हाँ। आपके शो पे होता है। हाँ। हमने क्या किया, हमने इम्प्रूव कर दी है बहुत सारी चीजें। अच्छा अच्छा, और आज ये जो न्यू इम्प्रूव्ड है, आपने कलर का डिफरेंस भी देखा होगा। कलर डिफरेंस है, हमने अपने शैम्पू को, हमारा ये जो हेयर फॉल सोल्यूशन है, इस शैम्पू को हमने 50% इम्प्रूव कर दिया। अच्छा। इसकी एफिकेसी को 50% इम्प्रूव कर दिया। ओके। तो और ये पहली मर्तबा आप ही के शो पे हम रिवील कर रहे हैं। ओके। दिस इज रियली 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 गुड। मतलब सारी प्रोडक्ट्स में थोड़ा चेंज आया है? सारी प्रोडक्ट्स, एवरी सिंगल थिंग। मैं अपने ड्राइंग बोर्ड पे बैठा और अपनी टीम से कहा कि यार इसको हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। हाँ। और प्राइसेस वही रहे। Okay. तो कहने लगा हाँ हम कर सकते हैं। तो हमने वी एक्चुअली डिड दैट। तो अच्छा। जितनी भी प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी न्यू एंड इंप्रूव प्रोडक्ट्स हैं। तो ये तो बोनस हो गया ना, बोनस है, के बोनस पैसे है। वही और ये अब इतना ज्यादा इसकी एफिकेसी इतनी ज्यादा इंप्रूव्ड हो चुकी है कि आप अगर माइल्ड हेयर लॉस के लिए लेते हैं तो वो इमीडिएटली फर्स्ट डे आफ्टर योर फर्स्ट शावर बंद हो जाते हैं बाल गिरना। बाल गिरना बंद हो जाते हैं। ये एक तो ये है, ये इंप्रूव्ड है। अच्छा, इसके बाद लोगों ने मुझे कहा था कि उन्हें ये बहुत ज्यादा पसंद आता है, बिकॉज इसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, मिंट की खुशबू होती है। और उन्हें ये कहता है कि क्या हम इसको या इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी एक को भी आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो उसकी एफिकेसी वही रहती है। ये भी अब इसके अंदर भी वो इंग्रेडिएंट्स शामिल हमने कर दिए हैं जहां पर बाल गिरना रुक जाता है। इवन दो ये दुनिया का शायद वाहिद शैम्पू है जो क्लेंस करता है, डीप क्लेंजिंग करता है और वॉल्यूमाइजिंग करता है, और सबसे बड़ी बात ये बालों को गिरने से रोकता है। और आपने मुझे एक दफा बताया था कि कभी कभी हम दोनों को मिला के भी लगा सकते हैं। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, है ना, एक दिन ये लगा लें या एक दिन ये लगा। अगर आप हफ्ते में दो दिन ये लगाते हैं तो आप पांच दिन ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। और अगर जिनका थोड़ा सा सिवियर हेयर लॉस है, अच्छा जिनका लग रहा है कि बहुत ज्यादा हेयर लॉस हो रहा है, तो वो कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करेंगे इसका और इसका। ये तो ऑयल है ना? ये तो ऑयल है। अच्छा, ये आपको इस्तेमाल करना है हफ्ते में तीन दिन, ठीक है, और 40 मिनट्स के लिए आपको लगाना है इसके अंदर। ये अगर आप उसकी वजह से दाने निकल आते थे, तो ये इससे फायदा हुआ मुझे। जहाँ जहाँ जिस जगह जो है ना वो तेल चाहिए होता है, वो ड्रॉपर वहीं डाल, वहीं पर डाल दें। और सबसे बड़ी बात ये कि इसकी भी एफिकेसी हमने 50% इंप्रूव कर दी है। अच्छा, तो इट इज रियली इफेक्टिव, पहले भी था अब भी है। इसको इस कॉम्बिनेशन का साथ इस्तेमाल करें, इमीडिएटली 1 or 2 times जब आप इसको लगाते हैं तो आपके बाल गिरना बंद हो जाते हैं और नए बाल आने लगते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हमारी जो सबसे बड़ी फाइंड है, मैं अगेन इसको भी हमने इम्प्रूव किया और ये आपके शो पे पहली मर्तबा बता रहा हूँ। अच्छा। हमारा हमने अक्सर ये कहा है, मैंने अपने बालों के साथ बड़ी स्ट्रगल की। मेरी स्ट्रगल ये है कि मैंने प्रोपेशिया तक खाई है।
अच्छा मैंने पुरस्कार तक खाई है तो क्या गिर रहे थे आपके बाद ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा गिरते थे तो और उसके बाद फिर मैंने रोगेन लगाना शुरू की और रोगेन अच्छा। मैंने 20 साल लगाई है अच्छा टू सेव माय हेयर टू सेव माय हेयर अच्छा उसके बाद मैं थक गया हाँ। जब थक गया तो वी हैड टू डू समथिंग तो वी केम अप विद दिस इसके 5 ड्रॉप्स आपने लेने हैं ये थोड़ा इजी भी है ना इजी ड्रॉप्स डाले और अच्छा और इसकी एफिकेसी हमने इंप्रूव कर दी है तो अब एक और कमाल हो गया आपने ये 7 दिन नहीं लगाना आपने 5 दिन भी अगर आपने लगा लिया तो आपके बाल दोबारा से नए आ जाते हैं दोबारा से अच्छा जैसे ये आपने लगाया सुबह ऑफिस जा रहे हैं तब भी कोई ऑयल तो नहीं आएगा रात को अगर आप लगा लें अच्छा और सुबह उठ के शैम्पू से धो लें तो आई थिंक इट विल बी ऑल राइट आप रात को लगाइए और सुबह उठ के शैम्पू से धो लें इट्स गोइंग टू बी वंडरफुल ओनली 5 ड्रॉप्स अच्छा पता है क्या क्योंकि मर्दों को ना तेल लगाने से कुछ उलझन होती है तो ये एक मतलब 5 ड्रॉप्स तो लगा ही सकते हैं ना जबरदस्ती पकड़ के लगा दे सर पे हाँ ना उससे बेहतर हो जाएगा गंजे आदमी नहीं अच्छे लगते मुझे अगर आप 5 ड्रॉप्स लगाते तो लिटरली आपके बाल गिरना बंद हो जाते हैं और नए बाल आने लगते हैं हाँ। बस इतना ख्याल रखिए कि नए बाल जो होते हैं ना वो 2 वीक में थोड़े थोड़ा से रुआ आता है हाँ। 4 वीक में थोड़ा ज्यादा 6 वीक में 8 वीक में कंप्लीट बाल आने में तकरीबन 10 वीक लगते हैं 2.5 महीने लगते हैं और ये एक बॉटल 2.5 से 3 महीने के लिए काफी है और उसके बाद आपको सिर्फ मेंटेनेंस करनी पड़ती है नंबर आपकी स्क्रीन पे होगा आप अभी कॉल कर सकते हैं एंड लेकिन ये गंजपन का खात्मा करता है अच्छा आपके कोई आपने हमेशा हेल्प करता है ना कोई गाइडलाइंस देता है कि किसके आप किस चीज के लिए क्या खरीदें तो वो भी हमारे पास डॉक्टर्स ऑन बोर्ड है डायटिशियंस ऑन बोर्ड है आप अभी कॉल कर सकते हैं कंसल्टेंट्स ऑन बोर्ड है अभी आप उनको कॉल कर सकते हैं और आप उनको बता सकते हैं हम लोग पिछले आई थिंक 100 एंड सम प्लस डेज आर कंप्लेन फ्री तो आई थिंक दैट्स रियली गुड मैं देखती हूँ ना आपको तो मुझे होता है अच्छा कोई बात नहीं हमारे बच्चे हाइपर है तो बड़े होके बहुत सारे काम करेंगे क्योंकि आप इतनी सारी चीजें एक साथ कर रहे हैं शो भी रन कर रहे हैं और भी पाइपलाइन में चीजें हैं अल्हम्दुलिल्लाह और ये भी है माशाल्लाह और आप ही के शो पे एक बहुत नई चीज इंशाल्लाह विद इन अ मंथ एंड अ हाफ हम लेके आएंगे और आई थिंक यू आर गोना लव इट वो आपको वाकई वो बहुत पसंद आएगी अच्छा हां इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह अच्छा देन सेकंड प्रोडक्ट दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज वेट लॉस क्योंकि ईद का मौसम है ईद अभी खत्म हुई है और शादियां शुरू हो रही हैं और बट यू हैव लॉस्ट वेट हां मैंने तो डाइट की है क्योंकि मैं गोश्त की शौकीन नहीं अच्छा तो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू आप ये उन लोगों के लिए है जो डाइट नहीं करना चाहते अच्छा। अगर आप ऑलरेडी डाइट पे हैं तो फिर ये मत लीजिए ओके अगर आप डाइट पे नहीं हैं और आप सब कुछ खाना चाहते हैं और स्टिल वेट को लूज करना चाहते हैं अपने स्टमक को कम करना चाहते हैं अपनी चर्बी को खुलाना चाहते हैं ढीट फैट को भगाना चाहते हैं मैं ये यूज करूंगा मुझे बहुत अच्छा लगा ये बहुत अच्छी लाइन है डीप फैट को भगाना चाहते हैं तो आप इसको इस्तेमाल कीजिए गोल्ड कैप है नाश्ते के बाद आप एक कैप्सूल ले लीजिए और अच्छा 100% ऑर्गेनिक है PCSIR सर्टिफाइड है अच्छा तो इसकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है आप कोई भी इस्तेमाल कर सकता है एक कैप्सूल ले लीजिए और ढेर सारा पानी पीजिए अच्छा और फ्लश आउट हो जाता है और आप एक महीने में 3 से 4 इंचेस कम कर सकते हैं वेरी नाइस अच्छा दूसरी एक और बात निदा अगर आप ये लेते हैं ना हाँ. तो आपका फोकस मेंटल फोकस बहुत ज्यादा हो जाता है और साथ साथ आप में इम्यूनिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जैसे आजकल कोविड एंड ऑल दैट तो मैं ये तो नहीं कहता कि कोविड से आपको बचाएगा लेकिन ये आपकी इम्यूनिटी को बड़ा बढ़ा ताकतवर हो जाएंगे ना लड़ने के लिए डेफिनेटली हाँ. तो आप वेट लॉस के लिए उनसे कहिए अभी कॉल करके गोल्ड कैप्स चाहिए और आप एक महीने में आपकी 3 से 4 इंच कमर कैप्सूल्स तो आपके पास एक ही है ना एक तो फिर लोगों का आराम से पता चल जाएगा कि जी अच्छा इसके बाद हमारे पास ये प्रोडक्ट है इजिप्शियन गोल्ड अच्छा। ये तो आपने भी इस्तेमाल किया जी, जी, जी। इसके अंदर 24 कैरेट गोल्ड है और ये आपकी स्किन को फ्लॉलेस कर देता है आपने ये 3 से 4 ड्रॉप्स लेने हैं मैं आपको दिखा सकता हूँ अब मैं अगर मुझे इजाजत है एक ड्रॉप लगा रहा हूँ और आप खुद देखिएगा इसको कि एक ड्रॉप कितना ज्यादा फैल जाता है मतलब ज्यादा लगाने की जरूरत ही नहीं नहीं क्योंकि तो पूरा मुंह कवर हो जाएगा 2 से 3 ड्रॉप यहाँ से लेकर यहाँ तक लगा लें हाँ। और सुबह फिर इसका आप मिरेकल देखें फाइन लाइंस को खत्म करता है हाँ। आपकी स्किन गर्मियों में भी लगाएं कोई टेंशन गर्मियां सर्दियां डजंट मैटर ऑल टाइप ऑफ स्किन और ये स्मेल देखिए आप इसकी अभी मुझे यहाँ तक आ रही है किनू किनू की आ रही है यस अच्छा हाँ। इसके अंदर हमने गोल्ड को इन्फ्यूज किया है तकरीबन हाँ। 8 किस्म के ऑयल्स के साथ अच्छा तो आप अभी कॉल कर सकते हैं और अभी आप इसको ले सकते हैं दिस इज रियली गुड एक चीज जो मेरी बहुत फेवरेट है और मेरे ख्याल में आपकी भी है दैट इज राइस अच्छा अगर आपने राइस स्क्रब इस्तेमाल किया है और हमारा इस्तेमाल किया तो आपको पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ या आपने हफ्ते में 2 मरतबा इस्तेमाल करना हाँ। है एक्सफोलिएट करता है आपकी डेड स्किन को निकाल देता है हाँ। और इसके बाद अगर आपने हफ्ते में ये 5 से 4 मरतबा इस्तेमाल कर लिया तो आपकी स्किन पिंक हो जाती है
लिटरली पिंक हो जाती है ये पर्ल पिंक। ये क्या करता है स्किन के लिए मतलब? ये राइस हमेशा आपकी स्किन को लाइट करता है और अपलिफ्ट करता है। अच्छा, आपके पोर्स जो होता है उसको मिनिमाइज करता है। इसका क्या काम है फिर? ये जो दूसरा सीरम है, ये सीरम की बात सीरम की बात करो, ये तो आपको एक्सफोलिएट करेगा। ठीक है, एक्सफोलिएट करके आपकी डेड स्किन जो है उसको रिमूव कर देगा और आपकी क्लियर स्किन बाहर आ जाएगी। ठीक है, अब उसकी क्लियर स्किन की प्रोटेक्शन के लिए आप 5 से 6 दिन आप ये इस्तेमाल कर लिए, 3 से 4 ड्रॉप आप लीजिए, आपको खुद एहसास हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। सिर्फ मैंने आपको इसका मतलब जोड़ी हो गई ना? यस ऑफ कोर्स, ये साथ ही इस्तेमाल करना है। ये आप ये राइस एंड मिनेला का एक्सट्रैक्ट है एंड दिस इज रियली गुड फॉर स्किन, रियली रियली गुड फॉर स्किन, तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छी खुशबू, मतलब होता है ना जो चीज आप फेस पे इस्तेमाल करें उसकी फ्रेग्रेंस भी आपको अच्छी आनी चाहिए। और फ्रेग्रेंस कभी कभार बहुत कोई चीजें होती है उनकी फ्रेग्रेंस अच्छी नहीं लग रही होती, लेकिन इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। आपके सेट पे ना थोड़ी सी फ्रेग्रेंस मैं कर देता हूँ। हाँ, अगर आप आगे हम परफ्यूम की तरफ। अच्छा देखिए, ये सीन है, दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट परफ्यूम्स, और ये इस सॉरी इन्होंने जिस तरह से भी रख दिया वेरी वेरी सॉरी, बता रहा हूँ इस तरह से आपको मिलेगा ये। और निदा, दिस इज अमेजिंग, ये आपका फेवरेट है? ये मेरा फेवरेट है, क्योंकि हैं तो बहुत सारी और परफ्यूम्स सारी सारी क्या तकरीबन कितनी है? ये 8 परफ्यूम्स है, मैं ऐसे ऐसे देख रहा हूँ, आप बताइएगा मुझे कैसा लग रहा है। ये वो है ना थोड़ा सा अच्छा, मैंने क्या किया है, ये दुनिया का महंगा तरीन परफ्यूम है, उसको हमने लिया है और उसी को इम्प्रूव कर दिया मैंने। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा स्पाइस और ऐड किया है, थोड़ा सा मैंने ऊद और ऐड किया है, थोड़ा सा लेदर मिस्ट ऐड किया है। हर कोई अफोर्ड कर सकता है? हर कोई अफोर्ड कर सकता है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। और मैं आपको वैसे बता दूं कि वैसे अगर आप लेते हैं तो 7000 का, आज अगर लेंगे आपके शो से ये बड़ा अच्छा 3500 आधा हो गया, आधा और 3500 तो ये सीन है ना। इसके अलावा हमारे 7 परफ्यूम्स हैं जो अगर आप आज लेते हैं तो 50% ऑफ पे हैं और वो आप 2700 में ले सकते हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ आज के लिए 50% ऑफ है? यूजुअली चलता है, यूजुअली चलता है, लेकिन जब भी आपके शो पे आते हैं तो हम डिसाइड करते हैं कि यार कुछ ना कुछ स्पेशल होना चाहिए। जैसे मैं ये चाहता था कि मैं आपके शो पे इंट्रोड्यूस करूं कि हमारी जितनी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो हमारी एलोवेरा हो, विटामिन ई हो, विटामिन सी हो, पिग्माक्योर हो, एनीथिंग, तो उस पे हमने उसकी एफिकेसी को 50% इंप्रूव कर दिया। वैसे भी जब आप शुरू करते हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चीज लोगों को पसंद आती है, आपको फिर और पता होता है कि इसको और परफेक्ट कैसे बनाना है। अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक लोगों का जो रिस्पॉन्स है वो हमें बहुत अच्छा मिला, क्योंकि पहली दफा ले लेते हैं लोग, लेकिन जब उनको फायदा पहुंचता है फिर वो बार 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 आपके सही क्लाइंट्स बनते हैं। हमारी डेटाबेस जो है उसमें तकरीबन 3 लाख से ज्यादा कस्टमर्स हैं, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और हम दावा नहीं करते, हम सिर्फ रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार इस्तेमाल करें और उसके बाद फिर आप बताएं। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, आपको अगर वेट लॉस करना है तो हमारे पास आपके लिए, इसके बारे में तो आपने बताया नहीं, ये मेकअप तो हमारी फेवरेट चीज़। ये देखिए, ये बीबी है, बीबी क्रीम है हमारी, और मैं आपको ये बता सकता हूँ इससे बेहतर बीबी क्रीम आपने यूज नहीं की होगी, कभी यूज नहीं की होगी निदा जी। ये थोड़ा सा बिल्कुल, मुझे तो ये अच्छा, दो शेड्स हैं आपके पास है ना? अच्छा ये है एक ही, इतना काफी है ये, ये न्यूट्रल है और ये किसी भी स्किन पे लग जाता है। यस, ये तो जबरदस्त बात है। यस, मतलब कि जिस स्किन पे उसी तरह का हो जाता है, बिल्कुल उसी तरह का हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये, इससे बेहतर फिनिश आपको नहीं मिल सकती। मैट है ये, मैट एब्सोल्युट, गर्मी भी नहीं लग रही है, और मतलब लाइक वो, हाउ डू यू फील, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, मतलब एक कवरेज अच्छी मिल गई, बहुत बहुत पतला है और अच्छी कवरेज देगी। अच्छा, और आपको इस पे लगाने के बाद किसी फाउंडेशन की जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू अप्लाई एनीथिंग। वो ना जल्दी से क्रीम लगा के सनब्लॉक लगा के निकलते हैं, आप ये लगा के। अच्छा, इसके अंदर सनब्लॉक एडेड, थोड़ा सा बिल्कुल आपको थोड़ा सा यूज करना है। अच्छा, अच्छा सनब्लॉक की बात जहां तक आती है तो वहां पर हमारे पास ये सनब्लॉक मौजूद है, ये सनब्लॉक जेल है, पाकिस्तान में पहली मर्तबा। अच्छा, इट इज नॉट सनब्लॉक क्रीम, सनब्लॉक जेल है। और जब आप ये लगाते हैं तो इसके 3 फायदे होते हैं, एक तो आपकी स्किन क्लियर होती है, आपकी अच्छा इसके अंदर लिफ्टिंग एजेंट्स है, अच्छा ये आपकी स्किन को ऑटोमेटिकली लिफ्ट करता है, टाइटन, हर चीज जो हमारी है उसके अंदर स्किन टाइटनिंग एजेंट शामिल है। अच्छा, और दूसरी बात ये 100 SPF है। अच्छा, तो आपको सन की प्रोटेक्शन जो है गर्मी के मौसम में वो बहुत ज्यादा होती है। पहली मरतबा पाकिस्तान के अंदर सन ब्लॉक जेल हमने इंट्रोड्यूस करवाई है, एंड आई होप एंड प्रे कि आपको ये पसंद आती हो। इसके रेव रिव्यूज हैं, बहुत सारे लोग बहुत बहुत कहते हैं कि हमें इससे बहुत फायदा हुआ है, और ये एक जो है ये तकरीबन 3 से 4 महीने के लिए काफी होती है। काफी है, और सनब्लॉक बहुत जरूरी है अपनी स्किन को बचाने।
अच्छा कंप्लेन करते हैं लोग छाइयां वाइयां तो ये इस्तेमाल करने से फिर और बाकी इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है. छाइयों की जहां तक बात है तो वो तो इससे फिग्मा की ओर से दूर हो जाती है. अच्छा अच्छा ये पहली बात मैं बता दूं कि ये एक महीना दो महीने का खेल नहीं होता. ये 3 से 4 महीने के बाद इसके रिजल्ट आने शुरू होते हैं पहले महीने के अंदर. लेकिन 3 से 4 महीने निदा लगते हैं पिगमेंटेशन टू गो अवे. ये ऐसा नहीं हो सकता कि फौरन हमने लगाया और एक हफ्ते के अंदर ये तमाम चीजें हो जाए. जो शख्स इवन अगर हमारी कंपनी से कोई आपको ये कहता है प्लीज हमें कॉल करके उसकी कंप्लेन कीजिए बिकॉज गलत बयानी है ये. बिल्कुल ये एक महीने में रिजल्ट आना शुरू होते हैं. 3 से 4 महीने में आपकी स्किन क्लियर हो जाती है और आपको ये वैसे लगाना होता है जैसे बताया जाता है. बिकॉज दिस इज मेडिकेटेड. अगेन ये भी PCSIR सर्टिफाइड है. आपकी स्किन को कोई रैश कोई बर्न किसी तरह का कुछ नहीं होता. इसका सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है कि ये लगाने के बाद आप सन में 20 से 25 मिनट के लिए और चूल्हे के आगे 20 से 25 मिनट के अंदर ना आ जाए और उसके बाद आप नॉर्मल अपनी एक्टिविटीज जो है वो कर सकते हैं. तो आई थिंक मुझे ऐसे लगता है कि जैसे हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं एक तो वो सेफ है दूसरा बहुत इफेक्टिव है. हाँ. जैसे फॉर इंस्टेंस मैं आपको बताऊं एलोवेरा है हमारे पास और एलोवेरा के साथ ये विटामिन सी सीरम. अच्छा, है ये भी इसकी जोड़ी है अच्छी रहेगी. फेस वॉश किया विटामिन सी आपने ये लगाया ना एलोवेरा. हाँ. तो ये ऑटोमेटिकली आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है हाइड्रेट करता है लिफ्ट करता है क्लेंस करता है. और जब आपने ये लगाया तो ये हमारी यूथ का राज है यूथफुलनेस का राज है विटामिन सी. विटामिन सी जो होता है वो कॉलेजन प्रोड्यूस करता है कॉलेजन को ज्यादा एनहांस करता है. तो जब कॉलेजन एनहांस होता है तो क्या होता है आपकी स्किन जो सैग हो चुकी होती है जो लटक रही होती है या जितने भी यंग लोग इसको लगाएंगे तो उनकी स्किन की प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है. तो आप हमेशा यूथफुल रहते हैं. और ये आपको लगाना बहुत ज्यादा नहीं होता बहुत थोड़ा सा लगना होता है ये 1 or 2 or 3 ड्रॉप्स. आपकी कॉम्प्लेक्शन भी अच्छी होती है फेयर होती है फेयर हो जाती है. इससे कॉम्प्लेक्शन फेयर होती है. इससे कॉम्प्लेक्शन हमारी जो प्लैटिनम गोल्ड क्रीम है इससे कॉम्प्लेक्शन फेयर हो जाती है. अच्छा जितने भी ये आपको चीजें नजर आ रही हैं इसके अंदर फेयरनेस या ब्राइटनेस या ग्लो तो हमने वैसे ही ऑटोमेटिकली इंड्यूस किया हुआ है डाला हुआ है. अब इससे पहले कि हम खत्म करें प्रोग्राम हम जल्दी से बता दें कि 50% ऑफ है. यस और आज पे परफ्यूम्स पे. अच्छा मैंने कहा सभी परफ्यूम से शुक्र आपने क्लियर मेरा परफ्यूम्स पे 50% ऑफ है. और इसकी 50% आप खुद देख लीजिए कलर्स आर डिफरेंट. 50% एफिकेसी हमने इंप्रूव कर दी. थैंक यू प्राइस बहुत शुक्रिया साहिर. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर मोर. थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया. तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम. आज है बलाज की बर्थडे और थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमें ज्वाइनिंग किया और हमारे साथ इस बर्थडे को सेलिब्रेट किया. इन द एंड मैं थैंक यू करना चाहूंगी उफेरा का कराची वुमेन क्लब का जो ये एक ग्रुप है फेसबुक के जिसकी मदद से इस प्लेटफॉर्म की मदद से बहुत सारी जो बिजनेस वुमेन है खवातीन है वो अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकती हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू. थैंक यू फेरा एंड थैंक यू सारे इवेंट प्लानर एंड डिजर्ट फरदाना वामिक एंड अनम तारिक सबका थैंक यू. एंड आप सबका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का. वंस अगेन मेरे बच्चे के लिए दुआएं कीजिएगा. आपके सामने ही इतने से इतना हुआ है दुआ में याद रखिएगा. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मंडे को. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. हैप्पी बर्थडे टू बलाज.